आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जनपद के धर्मगुरुओं के साथ की बैठक, कहा कोरोना मुक्त प्रदेश बनाने में दें अपना योगदान, कराएं टीकाकरण। बेलीपार थाना क्षेत्र के हाटा गांव में चुनावी रंजिश में दिन दहाड़े चली गोली, 3 घायल, आरोपी को भी ग्रामीणों ने पकड़ कर की पिटाई, मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज, डीआईजी डीएम एसएसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण, दोषियों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए चुनावी ड्यूटी में लगे जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डीएम और एसएसपी ने किया ब्रीफ, कहा सकुशल संपन्न कराएं पंचायत चुनाव। कोरोना टीका उत्सव में मंगलवार को शामिल हुए राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला, टीकाकरण कराने आए नागरिकों का किया हौसला अफजाई, नागरिकों से की अपील, कहा टीका उत्सव में जरूर ले भाग, कराएं टीकाकरण। 15 अप्रैल को जिले में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन सतर्क, सीडीओ व एडीएम फाइनेंस ने कहा 14 को रवाना होगी पोलिंग पार्टियां, 15 को संपन्न कराएंगे पंचायत चुनाव, अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ होगी विधिक कार्रवाई। लोक सेवा आयोग के पीसीएस की परीक्षा में साइबर सेल के सिपाही ने लहराया परचम, डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता पद पर हुए चयनित, कहा शॉर्टकट से नहीं मिलती सफलता। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए रेलवे स्टेशन पर जीआरपी द्वारा सभी यात्रियों को कराया जा रहा है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, पुलिस उपाधीक्षक रेलवे रचना मिश्रा ने कहा यात्रियों को कोरोना से बचाव के लिए किया जा रहा है जागरूक। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 572 नए कोरोना संक्रमित मरीज, एक की हुई मौत, जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 24,968, अब तक 375 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान, 2,976 हो गए एक्टिव मरीज, सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट को मुहैया कराई गई गाड़ियां, अपर प्रभारी यातायात ने कहा गाड़ियों से चुनाव पर नजर रखेंगे मजिस्ट्रेट। सादगी के साथ मनाया गया बैसाखी का पर्व, कोविड-19 के दिशा निर्देशों के बीच पैकेट में बांटा गया लंगर। जनपद में जिला अस्पताल सहित 145 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के नागरिकों का किया गया वैक्सीनेशन, सीएमओ ने नागरिकों से की अपील, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के नियमों का करें पालन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ड्यूटी पर लगाए गए शेष कार्मिकों को प्रेक्षा गृह के सभागार में दिया गया प्रशिक्षण, 14 अप्रैल को अपने ब्लॉक पर पहुंचकर कराएंगे रिपोर्ट, 15 अप्रैल को अपने बूथ पहुंचकर कराएंगे मतदान। चैत्र नवरात्रि पर मंदिरों में कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं ने की मां की आराधना, कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना। काशी और हरिद्वार के गंगा आरती के तर्ज पर राप्ती तट स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट पर आयोजित हुआ गंगा राप्ती महाआरती, भारी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। और जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंची खोराबार एफसी और पूर्वांचल एफसी की टीम, बुधवार को होगा फाइनल मुकाबला, सदर सांसद रवि किशन विजयी टीम को देंगे ट्रॉफी।